हेलो दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियो होने वाली है। लेक्चर नंबर 1 वीडियो है हमारी। इसमें हम फार्मूले से रिलेटेड फार्मूलों की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला वो क्या है, इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा यूनिट नंबर 5 से होने वाला है। इसमें जो फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूला है इस प्रकार है। पहला जो हमारा x पावर n dx, इसमें इंटीग्रेशन में क्या होती है, जो भी हम इंटीग्रेशन x पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें x पावर n प्लस 1 एक जुड़ जाती है। उसके बाद ये n प्लस 1 जो है हर के रूप में नीचे आ जाता है और प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर होता हमारा लॉग एक्स प्लस सी, इस तरह से होता। उसके बाद हमारा जो के डी एक्स बराबर होता के एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे के सापेक्ष तो हमारा के एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का फार्मूला जो है ए एक्स डी एक्स बराबर, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी होता है। और जब हमारा पाँच नंबर का फार्मूला जो है कॉस डी एक्स बराबर होता है साइन डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन में होता हमारा। और साइन डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद जो हमारा सिक्स नंबर का फार्मूला होता है, सॉरी सेवन नंबर का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है हमारा टेन एक्स प्लस सी। उसके बाद जो हमारा आठ नंबर का फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इन्हीं फार्मूले पे हमारे जो है इंटीग्रेशन का पहली यूनिट जो हमारा है उसका जो क्वेश्चन होगा इन्हीं सभी फार्मूले पे आधारित होगा। उसके बाद हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। नौ नंबर का जो हमारा फार्मूला नाइन टेन इंटीग्रेशन टेन एक्स करेंगे तो हमारा लॉग ई, उसके बाद एक्स की जगह पे हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी या लॉग ई सेक एक्स प्लस सी होगा, इस तरह से होगा। उसके बाद दस नंबर हमारा है जो फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी हो जाता है। और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का जब हम करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। जो हमारा तेरह नंबर का फार्मूला कॉट एक्स डी एक्स का करेंगे तो लॉग ई साइन एक्स प्लस सी होता है। उसके बाद तेरह नंबर जो हमारा फार्मूला है सेक एक्स डी एक्स लॉग ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी या लॉग ई टेन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई एक्स बाई टू प्लस सी होता है। और जो हमारा होता है ये चौदह नंबर फार्मूला है वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। और जो हमारा नेक्स्ट है ये हमारा है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है। उसके बाद हमारे जो इन सभी 15 या 16 क्वेश्चन फार्मूले हैं इन्हीं पर हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किया जाएगा। तो हमारा जो 15 नंबर का फार्मूला वन बाई अंडर रूट वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाए तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए या वन माइनस वन बाई ए काट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स। और 16 नंबर जो हमारा फार्मूला वन बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता वन बाई ए सेक स्क्वायर एक्स सेक इनवर एक्स बाई ए या माइनस ए कॉसेक इनवर एक्स एक्स बाई ए प्लस सी। हमारा जो होता है ये इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारा जो फार्मूला ये होता है। तो दोस्तों इन्हीं फार्मूले पे हमारा जो यूनिट नंबर 1 है इंटीग्रेशन वो होने वाला है, इन्हीं सभी फार्मूले पे होगा। यदि आप हमारी वीडियो पे देखना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं हम इसी क्रम में हमारे क्वेश्चन क्या हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम
अपने कमज़ोर बच्चों यानी अपने कमज़ोर साथियों के साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, तो उन लोग को हम साथ में लेकर बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल हमारा है वो तो क्या है, किस प्रकार से इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लेते हैं एक कोई नंबर 5x³ dx² dx, जब इस तरह से आपको दिया रहेगा उसके इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनमें जो नंबर दिया होता है यानी 5 को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना है। ऐसे इस प्रकार 5 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से और x² dx इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद आप देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारी जो x² होता है इस फॉर्म में, हमारा फार्मूला जो था x^n dx, जब इसका करते थे हमारा फार्मूले में क्या दिया था, x^n+1, यानी एक जुड़ जाता था और यही वन एन प्लस वन नीचे हमारा इस तरह से लिखा जाता था और प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया जाता था। इसमें क्या होगा, वही होगा सेम, एन प्लस वन है यहाँ तो 2+1 हो जाएगा। इस प्रकार होगा 5 x x²+1/8 2+1 सीधा यहाँ नीचे आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको सिंपली इसको लिख लेना है x², x³ हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 मिलके x³ हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस सी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5x³/3+c, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, x³+3x²+3x+1 dx। अब इसको देखो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबर बड़ा देख रहे होंगे इसलिए आपको नहीं आता है तो आपको दिक्कत लग रहा होगा। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हम सिंपली हल करके दिखाएंगे और आपको भूलने नहीं देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नंबर नहीं दिख रहा, तो आपको सिंपली क्या करना है, x³ dx इस प्रकार लिख लें और +3। अब यहाँ नंबर हमारा दिख रहा है तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना है x²dx, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद यहाँ 3 नंबर है, 3 को बाहर करना है इंटीग्रेशन से और x dx, +1 हमारा नंबर है, इसको यहाँ बाहर करना और इसको सिंपली dx कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली x³ का जब हम करेंगे तो x³+1 हो जाएगा और 3+1 इस प्रकार से आ जाता है, आपको क्या हो जाएगा हमारा x⁴/4 इस तरह से होगा। इसी प्रकार सभी का आपको कर लेना है, तो जब इसका करेंगे तो x⁴/4 यहाँ 3 है, जब इसका करेंगे तो +1 जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा x³, अब यहाँ नीचे भी 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 यहाँ 3 लिखेंगे और इसका जब x का करेंगे तो x हमारी 1 होती है यहाँ, जब 1 और 1 मिलकर बनेंगे तो x² हो जाएगा और √2 हो जाएगा और +1 है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसका जब इंटीग्रेशन 1 का करते हैं तो हमारा x हो जाता है, तो यहाँ x+c इस तरह से लिख लेना। उसके बाद आपको सिंपली हल कर देना है x⁴/4, अब यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो +x³ यहाँ 3/2 x² + x + c इस तरह से हमारा हो जाएगा, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है वो पूछा हुआ है, ये भी हमारा दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये हमारा जो है 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है √x+1/√x² इस प्रकार दिया हुआ है और dx लगा दिया है। उसके बाद का करना क्या है आपको, सिंपली जो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका a+b² दिख रहा होगा उस फॉर्म में आपको तोड़ लेना, तो जब इसको a+b² में तोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, √a इस तरह से a² + 1/√x²² हो जाएगा, समझ लीजिए। उसके बाद +2√a/√, इसको बी मान सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म में आपको तोड़ेंगे तो आसानी होगी इंटीग्रेशन करने में और यहाँ dx लगा देने।
उसके बाद आपको देखना है यहाँ से हर से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ टू बचेगा। तो इसका जब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का होल पावर है, तो यहाँ से जब होल पावर रहता तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ से भी अंडर रूट कैंसिल होगा और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसलिए इसको सिंपली यहाँ इंटीग्रेशन लगा के एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस यहाँ से हमारा केवल टू बचा है, तो टू इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद डी एक्स लगा देंगे। अब सिंपली क्या करना, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। जब एक्स का करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह प्रकार लिखेंगे, और टू को हमारा नंबर इसको बार करेंगे और डी एक्स कर देंगे। तो एक्स का करेंगे तो वन प्लस वन मिल के हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस जब हम इसको करेंगे तो वन बाई एक्स का होता है हमारा फार्मूला लॉग एक्स प्लस सी, यही होता तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हमारा जब इसका करेंगे, यहाँ हमारा कुछ नहीं वन है तो वन का करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा टू एक्स प्लस सी, इस प्रकार हो जाएगा और हमारा आंसर जो निकल कर सामने आ जाएगा इस प्रकार से। तो इतना आसान क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार के दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। अब सिंपली आपको इसको देखकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, इसको इसमें से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना। गुणा करने के बाद जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेना। तो सिंपली आपको जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स का इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स का माइनस फोर में होता है माइनस फोर एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम थ्री को उठाएंगे और इन सारे में कर देंगे गुणा, तो थ्री का करेंगे तो हमारा प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और जब इसका माइनस में करेंगे माइनस फोर में तो हमारा जो माइनस फोर माइनस ट्वेल्व डी एक्स हो गया। इस तरह से आप सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स का जब करेंगे हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस हम इसलिए लेंगे क्योंकि माइनस हमारा है जो फोर नंबर इसका इससे बड़ा संख्या, इसलिए इसको माइनस एक्स लिखेंगे। उसके बाद माइनस ट्वेल्व इस तरह से इक्वेशन होगी। उसके बाद इसको हल करके डी एक्स लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली आप क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे इस प्रकार होगा, उसके बाद एक्स डी एक्स करेंगे, उसके बाद माइनस ट्वेल्व इस प्रकार डी एक्स करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, एक्स के स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू अपान में प्लस टू प्लस वन होगा, उसके बाद माइनस एक्स वन पहले से रहता है और प्लस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस वन मिलकर हो जाएगा टू और माइनस ट्वेल्व है तो यहाँ वन हमारा बचा रहा है तो एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक्स हो जाएगा बारह एक्स हो जाएगा प्लस, इस प्रकार होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको हल कर लेंगे, हल करना है तो इसको हल करेंगे तो हमारा टू और एक मिलकर थ्री हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है तो हमारा माइनस ही रहेगा और वन वन मिल के हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ हम लिख देते हैं एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2004 सात और 11 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है आपका, कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना, सिंपली इसको क्या करना है, एक्स पावर फोर माइनस वन एक बार लिख लेना और प्लस वन इस तरह से लिख लेना। उसके बाद जो हमारा हर में है इसको यहाँ नीचे लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसके बाद इसको क्या करना है आपको, ये हमारा इसको लघुत्तम ले लेंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब यहाँ लिखेंगे तो हमारा एक्स पावर फोर माइनस वन, उसके बाद प्लस वन है इसको अलग कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, उसके बाद अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से हो जाएगा और डी एक्स कर देना। अब जब इसको करेंगे तो वह इसको होल स्क्वायर में तोड़ लेना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बार हो जाएगा और एक स्क्वायर प्लस वन एक बार हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इस प्रकार हो जाएगा और डी एक्स कर देना है। इसके बाद प्लस वन है हमारा यहाँ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस प्रकार हो जाएगा।
सिंपली क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन को हटा देना है यहाँ से, हर और आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस प्रकार बनेगा। तो आपको सिंपली मालूम है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स, फार्मूले में आपको दिया है, वहाँ फार्मूले से आप देख सकते हैं। तो फिर जब सिंपली है इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस वन इसको बाहर करेंगे डी एक्स करेंगे, उसके बाद जब इसका करेंगे तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस प्रकार हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा। तो जब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स वन का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मेरी सिंपल है, आपको करना है, और ये जो हमारे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे आपको, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू टेन एक्स माइनस थ्री कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करना है, एक इसको आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेना। तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह से आएगा, टू का जब हम करेंगे स्क्वायर तो हमारा होगा फोर टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का करेंगे तो हमारा नाइन कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हम प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है माइनस टू इंटू थ्री टेन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इस तरह से हो जाएगा। आप सिंपली क्या करना, आपको इसको तोड़ लेना है, जब इसको आपको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ जो होगा टू इंटू थ्री कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आपको इस रूप में दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको हल कर लेना, जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा फोर की इधर बाहर करेंगे हम फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस नाइन है हमारा, नाइन को बाहर करेंगे तो हमारा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दो दोनों चार माइनस फोर इंटू यहाँ से थ्री, इस तरह से इसको बार करेंगे, और इसके बाद टेन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का लेना है। जब इसको करेंगे आप तो हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि टेन एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर हमारा होता है वन, इस प्रकार हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ हल करेंगे जब हमारा फोर यहाँ टेन स्क्वायर एक्स का हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद प्लस नाइन है हमारा कॉट स्क्वायर एक्स का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाता है कॉट स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। नाइन को इधर बाहर करेंगे हम, नाइन को बाहर किए तो उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा वन हो जाएगा माइनस फोर इंटू थ्री डी एक्स, इस प्रकार कर देना है आपको, सभी जगह डी एक्स लगा देना। जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा फोर एक स्क्वायर एक्स का हमारा हो जाता है टेन एक्स, और माइनस वन का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारा एक्स हो जाएगा प्लस नाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ हमारा माइनस नाइन कॉट एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स हो जाएगा, चार तीन बारह माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स, जब इसका वन का करेंगे तो हमारा वन हो वन का एक्स हो जाता है डी एक्स प्लस सी। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा फोर है इधर ये हमारा कोष्टक में इस तरह से हमारे ये दिए हुए कोष्टक में इस तरह से हमारा दिया है। अब सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो फोर टेन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा माइनस नाइन कॉट एक्स
माइनस 9x माइनस 12x प्लस सी इस प्रकार होगा। तो आपको सिंपली जब इसको हल करेंगे तो 4x माइनस 4x और माइनस 9x मिलकर 13x और माइनस 12 ये हो जाएगा हमारा 25x हो जाएगा। और यहाँ आपको माइनस 9 cot x माइनस 25x प्लस सी इस प्रकार लिख लेना। उसके बाद हमारा जो आंसर है आ जाता है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी क्रम में बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 cos x - 4 sec² x + 5 cos x² x इस तरह से दिया है। तो आपको सिंपली करना क्या है, कुछ इसको बड़ा देख के आपको इस तरह प्रकार से देख के आपको चिंता मत करना नहीं होगा, हमसे हिम्मत नहीं हारना है आपको इसको करना। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ हमारा नंबर है तो इसको सिंपली आपको इधर cos x 2 को बाहर करना और cos x dx का इंटीग्रेशन करना। उसके बाद माइनस लगाना, माइनस लगाने के बाद आपको 4 को बाहर करना और sec स्क्वायर x dx करना है। उसके बाद 5 को बाहर करना, नंबर है इसको, उसके बाद cos x स्क्वायर x dx इस प्रकार लिख देना। तो अब सिंपली आपको जो फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप सिंपली इनका मान लिख लेंगे। तो cos x का हमारा होता है जो वो होता है sin x, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ 2 sin x - 4 sec² x का होता है 4 को ऐसे ही लिख लेना। और sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा tan x हो जाएगा tan x। उसके बाद प्लस 5 इधर लिख देना, 5 को ऐसे लिख देना। और cos स्क्वायर x का मान होता है हमारा माइनस cot x dx और प्लस c, इस तरह से लिख लेना। आपको हमारा आंसर जो है इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ हमारा प्लस है तो cos स्क्वायर x का मान जो हमारा था माइनस cot x होता, तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस प्रकार और प्लस c लग जाएगा। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो दोस्तों थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है, तो ये वाली जो आवाज़ निकल रही है इसको आपको थोड़ा इग्नोर करना है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इस प्रकार से दिया हुआ और dx दिया है, इसका इंटीग्रेशन करके आपको हल करना है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो हमारा, हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस प्रकार से होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इधर लिख लेना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद आपको सिंपली साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस प्रकार लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको लघुत्तम ले लेना है। जिसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और उसके बाद यहाँ माइनस, तो हमें माइनस लगाएंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स अपन एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इस प्रकार से हमारा जो दिया रहेगा और डीएक्स कर देना। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको साइन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो निकल कर आएगा इस प्रकार से आएगा 1 by sin² x कोष्टक में माइनस 1 by cos² x डी एक्स इस प्रकार निकल कर सामने आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका फार्मूला जो होता है उसमें पुट कर देना है, इसका मान निकाल लेना। तो आपको निकालने के लिए क्या करना है, हमारा हो जाएगा 1 - sin² x बराबर cos स्क्वायर एक्स। इसके बाद 1 by cos² का होता हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स इस प्रकार से है dx कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इस प्रकार होगा। जब इसका हल करेंगे तो आप cos स्क्वायर एक्स का हमारा होता है माइनस
कॉट एक्स, और इसका होता है चक्र स्क्वायर एक्स का होता है माइनस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं तक क्वेश्चन को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और वीडियो और क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बुक PDF आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।